से पानी बाहर नहीं आएगा और ये एक अच्छी लुक देगा बाइक को। देखिए बाइक के हालात क्या हालात हुए हैं, बाइक के कहीं से लग रहा है ये बाइक यार जो है ना कोई सही कंडीशन में फिर हालात दिखते हैं। So what's up people, this is Aryan Khan and welcome back to another day, another video. तो यार आज फाइनली द डे हैज़ बीन अराइव्ड के जिस दिन आज हमने वाई बी आर का जो है सारा जो जो सामान इसका आया हुआ है वो इसका सारा चेंज करना है और इस बाइक को जो है ना दोबारा बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कंडीशन नहीं होती, परफेक्ट से कंडीशन कर देनी है। अभी कल शाम को एक मेरे पास पार्सल आया था, मैंने वो इसी के लिए मंगवाया मैंने इसके फ्रंट फेंडर के लिए था। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कुछ दो तीन, जिस दिन मैं लैम्बोर्गिनी देखी थी फर्स्ट टाइम एक्सपो सेंटर गया था मैं, आपने वो वाली मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि इसका जो फ्रंट फेंडर है ना बहुत गंदा है, सारे कपड़े शपड़े सब गंदा करते थे। तो मैंने इसके लिए मड फ्लैप मंगवाया था फ्रंट फेंडर के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इसका जो पिछला फेंडर है ना वो भी बड़ा काम खराब करता है, पीछे वाले के कपड़े शपड़े सारे खराब करता है। तो अभी जैसे अंदर चलता हूँ मैं आपको फेंडर दिखाता हूँ, साथ लगा कर दिखाता हूँ। लुक तो इसकी बड़ी अच्छी लग रही है, पीछे से भी बाइक की बढ़िया गुड हो जाएगी लुक, और फिर फ्रंट के लिए हम दोबारा नया ऑर्डर कर लेंगे या बाहर से भी मिला तो वो लगवा लेंगे। तो अभी बस चलता हूँ अंदर और आपको वो दिखाता हूँ मड फ्लैप बाइक साथ लगा के। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। भाई ये मंगवाया था मैंने मड फ्लैप भी आज टायर के लिए मंगवाया था, मैं दिखाता हूँ मैं अगले टायर पर लगाऊंगा ना अगले फेंडर में। तो ये कुछ लगेगा ऐसे, ये बाहर साइडों से बाहर रहेगा लेकिन ये ना वैसे आगे भी ठीक ही लग रहा है। अभी देखते हैं सोच रहा हूँ कि क्या करें, उसको आगे लगाऊं। आगे लगाने से ये होगा कि इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। तो अगर हम ये इसकी यहाँ पर लगाएंगे ना तो इसकी लुक हो जाएगी कुछ ऐसी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि ये दोनों फ्रंट पे भी और रेयर पे भी यही चीज़ लगाऊंगा, फ्रंट पे भी ठीक लगेगी। ये फ्रंट पे क्या करूँगा जो इसका सेंटर वाला होल है ना ये वाला, यहाँ पर करके सिर्फ एक स्क्रू से लगा दूंगा, तो उससे ये होगा कि ये साइडों से ज़्यादा एरिया कवर करेगा और पानी शानी जो है वो उड़ के भी नहीं आएगा। और अगर मैं इसके छोटे साइज वाला लगाऊंगा ना तो वो काम ख़राब है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ लगा दूंगा ऐसे, ये थोड़े से इसके जो कॉर्नर हैं वो बाहर रहेंगे लेकिन सही लगेगा ही, इससे पानी बाहर नहीं आएगा और ये एक अच्छी लुक देगा बाइक को। सो यार फाइनली मैंने इसके फेंडर, मैंने बाइक धोने से पहले, अभी मैंने बाइक नहीं धोई, मैंने कहा मैंने सबसे पहले आप बाइक के भी मैं कैसे हालात दिखा दूँ पहले। ये देखिए बाइक के हालात क्या हालात हुए हैं, बाइक के कहीं से लग रहा है ये बाइक भी यार जो है ना कोई सही कंडीशन में, हालात देखे सही एरिया से। तो अभी का क्या सीन है कि मैंने यहाँ कर लिया होल ठीक है, और मैंने इसको ना एक दफ़ा व्लॉग में दिखाने से पहले टेस्ट फिट भी करके देख लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या, मैंने सेंटर का इसका सुराख किया ड्रिल मशीन से ठीक है, और मैंने लगाया ये एलन की बोल्ट ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा आगे से। ये मेरे पास अभी नट अवेलेबल था और मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये नट जो है ये इसके अंदर आके इसके साथ टाइट हो जाएगा, और इसका थोड़ा सा सेंटर वाला जो होल है उसको मैंने थोड़ा सा उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया, इन दोनों का साइज़ बराबर किया ताकि ये जो स्क्रू है ना वो इसमें लग जाए। तो बस अभी इसकी फिटमेंट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिट करके कैसा लगता है। यार तुम देख सकते हो कि मैंने इसको फिट कर दिया, असल में मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये आप देखेंगे थोड़ा सा साइडों से पॉइंट से थोड़ा सा आउट है क्योंकि इसका जो ये एरिया है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और सेंटर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम है। ये एक तरह से इसका फ़ायदा ये होगा कि पानी की जो स्प्लैशेज है ना अगर वो फेंडर से ज़्यादा यहाँ से इस एरिया से ज़्यादा कवर होंगी जहाँ से पानी उड़ के आपके ऊपर आते हैं और इंजन के और आपके पाँव का जो बुरा हाल होता है।
इससे ये फायदा होगा कि इसकी वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होने की वजह से पानी के स्प्लैशेस जो है वो ज्यादा तक हद तक कवर होंगे, जिसकी वजह से आपका पानी पीछे तक नहीं आएगा। और ये इसकी फिटमेंट बिल्कुल बेहतरीन हो गई है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, बिल्कुल जो है ये परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। और बाइक की एक इसने लुक भी थोड़ी सी फ्रंट से मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए बाइक की लुक भी कितनी सही लग रही है। और ये कितना आप देख सकते हैं यहाँ से कितना नीचे तक टायर के बिल्कुल नीचे तक आ गया। अभी मेरा रियर पे भी ये मंगवाने का इरादा है, रियर पे भी मैं यही चीज़ इस तरह की मंगवाऊंगा। और ये देखिए इस साइड से कुछ इस तरह की लुक है, तो ये बड़ा बेहतरीन लग रहा है। तो बस अब टाइम लैप्स में देखना, बाइक वॉश होते हुए बड़े काम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कितने बड़े तक फारिग होते हैं। अभी इसका चेन स्प्रॉकेट सेट से चेंज करने हैं, इसके रियर फुटरेस्ट चेंज करने हैं, फ्रंट की इसकी टॉप ब्रिज ये चेंज करनी है, तो काम बहुत ज़्यादा है। एक पार्ट में तो कम्प्लीट नहीं होगा, इंशाल्लाह इसको दो पार्ट्स में रखेंगे इस वीडियो को। तो बस ठीक है, अब शुरू करते हैं इसकी वॉशिंग। यार अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने इसको सिर्फ पानी मारा, ताकि इस पर जो सारी मट्टी शट्टी है वो मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि इस तरह सारा काम जाना और डस्टी डस्टी मिट्टी वाला हो जाता है। अभी सर बाइक को एक दफ़ा हल्का सा बस ड्राइव नहीं करना, बस इसको ऐसे ही हल्का सा सूखने देता हूँ, और उसके बाद ही नीचे से अंदर तक ये जो काम है सारा वाइपर मार लेता हूँ और जगह जगह सूख जाए। तो बस ठीक है, अभी ये सारी जगह साफ़ करते हैं। यार मैंने जगह शगह को साफ़ कर ली है और बाइक वापस लगा दी है। अब सबसे पहले उसका रियर खोलना है, इसके रियर में इसकी चेन स्प्रॉकेट सेट चेंज होना है, इसका चेन केस चेंज होना है क्योंकि चेन केस सारा ख़राब हो गया, वो चेंज होगा, और इसकी फ्रंट स्प्रॉकेट वो भी चेंज होगी। उसके बाद इसके ये फुटरेस्ट रबड़ की आप हालत देखें तो सारे ख़राब हो गए, आप देख सकते हैं कैसे कट गए हैं सारे, ये सारे फट गए, मैं ये दिखाता हूँ, लेकिन ये सारा फट फुट गया हुआ है, ये देखिए। तो ये कंडीशन हो गई हुई है बाइक की ना, और ये लूज़ हो गए सारे क्योंकि ये ऐसे ही निकल आएगा बाइक, ये नहीं। तो ये सारा चेंजिंग होगी, और इसके बाद इसका मुझे फ्रंट फुटरेस्ट रबड़ भी ले लेने चाहिए था, मुझे याद नहीं रहा, खैर वो बात ही बात है। तो बस अब इस पर काम शुरू करते और इंशाल्लाह आपको साथ साथ में जो जो होगा ना वो मैं दिखाता हूँ। तो यार फाइनली इसका जो रियर व्हील है वो खोल ली है, और अभी इसके यहाँ पे जो है वो ग्रारी जो है रियर स्प्रॉकेट वो निकाल रहे हैं, इसको ऊपर से फोर बोल्ट्स खोलेंगे, और उसके बाद जो है ये इसकी रियर स्प्रॉकेट जो है वो डिसअसेंबल हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसका चेन चेन सारा कुछ चेंज होगा, और बस यही है, साथ साथ आपको जो है दिखाता जाऊँगा जो भी सब कुछ जो भी। सो यार मैं लेने आया हूँ गन, और जैसे ब्रीफ केस ऐसे ना, जब पैसों का ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस खोलना कुछ इस तरह फिल्मों में होता है, जो ब्रीफ केस खोला अंदर भाई पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे गन है। ये इसकी बैटरी है, पता नहीं चार्ज है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं लगा के। ये है स्प्रिंगल, वो भी चलता है, ये है फाइनली चार्ज्ड बैटरी, दो लेवल्स पे है। तो भाई आगे अपनी करारी बाहर, और इसके सारे जो है ना ये जो टीथ होते हैं वो हो गए शार्प, जिसकी वजह से इसकी जो चेन है वो जो स्प्रॉकेट है रेयर वो हो गई ख़राब, जो कि अब चेंज होगी, और जिस किस्म की भी जो पीछे से नॉइज़ वगैरह आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये टोटल 45 टीथ की होती है पीछे रेयर स्प्रॉकेट इसकी, इस पर लिखा हुआ भी है 45 टी मतलब टीथ, 45 मतलब 45 इसकी ये जो है टीथ है, ठीक है। तो भाई मैं इसकी ये पिछले चेन टायर के हालात दे रहा हूँ, ये भी ख़राब हो गया था, ये सारा टायर से लग लग के, बड़ा टायर डाला था एक दफ़ा, उसकी वजह से टायर से लग लग के सारा जो है ना
ख़राब हो गया था चेन कवर, इसकी वजह से भी चेन जो है ना वो काफ़ी ख़राब होती थी, क्योंकि जब पानी में और कीचड़ वगैरह में बाइक जाता था तो सारा वो चेन के अंदर आता था, सारी चेन में डस्ट और मिट्टी जाती थी, इसकी वजह से जो है चेन और स्प्रॉकेट सारा कुछ ख़राब होता था। और ये भी जब इस तरह का ये हाल है, इसमें सारा ऑयल वगैरह जो चेन पे करते हैं वो सारा आया हुआ, बाकी ये दोनों फिर भी ठीक थे, लेकिन ये जो है मेन ये ख़राब हो गया था, इसकी वजह से लॉक भी टूट गए थे और ये नीचे से भी सारा खुला रहता था, जिसकी वजह से सारी जो मिट्टी छट्टी है पानी शानी है वो चेन में जाता था। तो यार फाइनली अभी का क्या है, सारे जो है तकरीबन जो है ये सारी एरिया को वॉश की है, ये इसकी जो चेन गाइड होती है इसको सारा अच्छी तरह वॉश की है, ताकि इसकी कुछ ये वॉश करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर इसको हम गंदा रखेंगे ना तो नया चेन है ये भी सारा इसकी गंद की वजह से सारा गंदा हो जाएगा और फिर दोबारा मिट्टी आ जाएगी चेन के अंदर, वो मिट्टी जो है वो रगड़ का सबब बनेगी और उससे जो है चेन दोबारा जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। सेकेंडली क्या किया मैंने कि इसकी एक इसकी जो स्प्रॉकेट हब होती है इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। स्प्रॉकेट हब के अंदर ये बेरिंग लगा होता है, ये इसकी ये बुश है, इस बुश के पीछे बेरिंग लगा होता है, बेरिंग की कॉन्टैक्ट सील को हमने रिमूव किया, उसके बाद इसके अंदर सारी बॉल्स को धोया बेरिंग की बेरिंग बॉल्स को, और उसके बाद उसको ग्रीजिंग की दोबारा बेरिंग को, उसके बाद जो है ये इसकी जो ये ऑयल सील है उसको साफ़ किया, और अब जो है बस ये सारा यहाँ से इसका जो स्विंग आर्म होता है रेयर उसको साफ़ किया, और बाकी अब इस अब क्या है कि इसका ये जो चेन कवर है नया वाला ये इंस्टॉल करने लग गया, उसके बाद जो है इसका व्हील शील जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यार ये इसका न्यू चेन, ये जो आम चेन आती है उससे अच्छी चेन है, क्योंकि इसकी जो एंड प्लेट्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा थिक हैं और उसकी वजह से इसकी जो चेन है वो लास्ट थोड़ी सी किलोमीटर ज़्यादा देर तक चल जाती है, और इसको एच की चेन कहते हैं इस चेन को, इसकी जो रोलर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और थिकनेस वगैरह इसकी एंड प्लेट्स की ज़्यादा होती हैं। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी, ये तकरीबन 1400 की चेन जो है वो कॉस्ट करती है, तो अभी बस इसके अंदर ये फिट करते हैं बाइक के अंदर। सर थोड़ा सा इसमें इशू ये आता है चेन में कि जो आम बाइक बैग की ओरिजिनल चेन होती है वो होती है 118 लिंक्स की, तो ये है 120 लिंक्स की, तो ये आपको मार्केट से एक लिंक रिमूवर मिल जाएगा, चेन लिंक रिमूवर, तो तकरीबन इसके जो दो लिंक है उसको हम रिमूव कर देंगे, ताकि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होती है बाई बी आर की चेन की लिंक्स जो ओरिजिनल होते हैं उसके मुताबिक ये चेन हो जाएगी, अदरवाइज यूँ करेंगे इस तरह ही लगा देंगे तो चेन जो है वो लूज़ चलेगा, तो ये इसका यहाँ पे ये लिंक रिमूवर टूल है, इससे जो है ना इसका हम लिंक जो है वो रिमूव कर लेंगे चेन के दो लिंक्स। देखिए इसके जो दो लिंक्स हैं वो हमने रिमूव कर दी, फाइनली अपनी बाइक का तकरीबन जो पिछला सारा हिस्से का काम था रियर एंड का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, चेन केस भी लग गया है, बाकी ये फुटरस वगैरह जो है ना वो इंशाल्लाह कल लगाऊंगा। कल इसका मैं फ्रंट में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका ये टॉप ब्रेक चेंज करनी है, इसका हैंडल ना हल्का सा टेढ़ा रहता है, तो बाइक एक दफ़ा गिरी थी तो उसके बाद से जो है ना इसका हैंडल ये फ्रंट टॉप ब्रेक जो है वो चेंज हो गया, मेरे पास सबकी पड़ी हुई आके पर चेंज करना नहीं हुआ, वो चेंज होगी और इसके बाकी इसको वॉश वॉश करेंगे कल इंशाल्लाह, और बाइक विल लुक ब्रांड न्यू, और ये देखिए मैंने मड क्लैप लगाया तो ये मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बाइक की ना उसने फ्रंट से थोड़ी सी लुक ज़रा एनहांस ही कर दिया, तो बस अभी चलते हैं
और आपको दिखाता हूँ हालात भी नहीं जाने यार, हालात बड़े बुरे जाने हैं। तीन घंटों का लगा मैं, तो बस अभी जा के बाइक 100% ओके हुआ है, तो अभी इसकी ट्राई लेता हूँ। तो यार काम शाम सारा हो गया तकरीबन, जिस तरह मैंने बताया कि जो चेन शेन स्प्रॉकेट सब कुछ चेंज होना था वो हो गया। अभी जो फ्रंट की फ्रंट का काम है वो इंशाल्लाह कल करेंगे और कल की वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी इसको चलते हैं बस ट्राई में लेके, और फिर आपको मैं सारा अपना एक्सपीरियंस और से शेयर करता हूँ और फिर इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। तो यार फाइनली निकले हैं रोड पे और इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, खींचते हैं थोड़ा। बाइक ओवरऑल बेहतर हो गया चलने में, पीछे से एक स्मूथ सी हो गई है बाइक, और बस यही है थर्ड गियर में मैं चला रहा हूँ अभी फिलहाल और बाइक ठीक चल रहा है, मतलब कि स्मूथ हो गया बाइक, जो एक रफनेस सी थी बाइक के चलने में वो तकरीबन ठीक हो गई है। और इंशाल्लाह बाकी जिस तरह मैंने बताया इसका कल करेंगे, बाकी जो काम रह गया अभी थोड़े से काम शाम जाना है वो कर लें, तो बस इंशाल्लाह फिर देखते हैं और आगे ना। तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम, 50 नहीं मैं कहता हूँ 70% काम जो है वो बाइक का 100% ओके हो गया। असल में मुझे क्या लगता है ना, आपने को देखा कि बाइक नो और बहुत स्मूथ हो गया पीछे से, बाइक रियर से बहुत स्मूथ फीलिंग आ रही है, बाइक बहुत बेहतर है चलने में। लेकिन मुझे क्या होता है ना कि मेरी या तो अपनी पता नहीं फीलिंग्स हैं या पता नहीं मुझे ऐसा वाकई है कि मुझे ना इस बाइक के अंदर ना एक पावर सी फील नहीं होती। ऐसे नहीं होता जैसे आप थ्रॉटल दो बाइक सडन रिस्पॉन्स करे और आप यूँ जाओ, तो ये वाली पता नहीं क्यों मुझे ना एक फील नहीं होता इसके अंदर। आई डोंट नो कि काफ़ी चल गई है, इंजन की थक गया है, मतलब कि इंजन की लाइफ होती है ना वो 50,000 किलोमीटर, वैसे बहुत ज़्यादा किलोमीटर होते हैं, लेकिन इसका कल मैं एयर क्लीनर ऑयल भी चेंज करूँगा सारा कुछ और वॉशिंग करेंगे एंड पे इंशाल्लाह। बाकी कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, खुद भी कल करूँगा, तो ठीक है बाकी इंशाल्लाह कल आप सारा कुछ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। 4 days अल्हम्दुलिल्लाह डन, और मेरा क्या है कि यार मैं अगर चैलेंज अब लिया ना तो मैं उसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा। तो ठीक है मिलता हूँ फिर आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो आप जरूर नीचे पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय और स्टे सेफ।